आज सूर्य ग्रहण जो है भारत में अदृश्य है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर स्नान दान पुण्य के लिए आए हुए हैं कि जो हमारे इंडिया में यदि लगता सूर्य ग्रहण तो बहुत भारी भीड़ होती है यहाँ पर, कम से कम 25-30 लाख के लगभग लोग होते और एक टाइम में यहाँ पर 5-7 लाख लोग स्नान करते सरोवर में, ब्रह्म सरोवर में। तो लोग फिर भी बड़ा भारी महत्व है, लोग फिर भी आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, अपने पितरों की आत्मा शांति के लिए यहाँ पर लोग दान करके जा रहे हैं। जैसे कोई बीमार व्यक्ति होता है तो उसके मित्र तुलादान का भी बड़ा भारी महत्व होता है सूर्य ग्रहण पर, तो लोग तुलादान करते हैं इस दिन सूर्य ग्रहण पे। और जो गर्भ स्त्री होती हैं उनको भी बड़ा सावधानी रखनी पड़ती है उसके ऊपर कि वो घर से बाहर ना निकले, ये तो क्या होता है उनको एक नारियल वगैरह लेके अपने यहाँ पेट के ऊपर बांधना पड़ता है, तो उसका बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। और सुतक काल भी लोग जैसे कि खाना भी नहीं खाते, सुतक लग जाता है 8-10 घंटे पहले के सुतक लग जाता है सूर्य ग्रहण से पहले। सावधानियाँ बरतनी चाहिए, फिर भी जो गर्भ स्त्री उनको तो जरूर बरतनी चाहिए। बाकी लोग तो चलो सुतक काल में जैसे कि भोजन वगैरह करते हैं खाते हैं, भाई नहीं खाना चाहिए उस सुतक काल में, लेकिन लोग खा रहे हैं इसलिए कि अदृश्य है भारत। महाभारत से क्या इसका जुड़ा हुआ? महाभारत से ऐसा है कि भगवान श्री कृष्ण जी भी जब सूर्य ग्रहण का पर्व था कुरुक्षेत्र में, तो भगवान श्री कृष्ण राधा जी ने भी यहाँ पर आकर स्नान किया था सूर्य ग्रहण के टाइम। आज नहीं, पहले पिछले कई सालों से वर्षों से यहाँ पर आ रहा हूँ। जैसे कि आज सबको पता ही है पूरे हिंदुस्तान में, क्या इसके साथ लगते हैं कई देशों में सूर्य ग्रहण आज देखा जा रहा है। हिंदुस्तान में इसका ज़्यादा महत्व नहीं है, आसपास के कई देशों में देखा जा रहा है। तो यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने आए हैं और आप ही देख ही रहे हैं यहाँ पर हज़ारों लाखों लोग जो कि पूरे देश से यहाँ पर आए हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ। अपने पितरों के लिए दान धर्म का यहाँ पर बहुत महत्व है और एक डुबकी। कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। मैं कई बार ही आ चुका हूँ पहले भी, ब्रह्मकुंड मजा आ गया स्नान करके। आज स्नान खातर है कड़ते आए थे हम लोग, हम वाना तो आए हैं रौलाना के। हाँ, कितने लोग आए हैं? हम 4 लोग आए हैं। ग्रैंड के बारे में क्या बताओगे आज ग्रैंड लग रहे भाई? हम तो भगवान ने भी रातम बता दो कि कहना मन में तो देसी बात है। हम स्नान किया, पूजा अर्चना? हाँ, स्नान करें पता था। मन तो पहली बार आए हो भाई? मैं तो 22 साल पाछा आई हूँ।